अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी खैर से। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ यहीं से करते हैं। वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। और हम अभी जाने लगे हैं बाहर इम्तियाज़ से कुछ सामान लाना है और उसके साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स भी लेने घर के लिए। तो अलीजा, आप लोगों को कुछ लेना है क्या? नहीं, सबसे पहले वेजिटेबल्स लेनी, क्योंकि आज अलीजा और फातिमा वापसी पे आके मैं खा रहा मैक्रोनी का आज है सीन, है ना? मैक्रोनी बनाएगी घर पर। और साथ में अम्मी, आपको कुछ चाहिए होगा हमारे घर के लिए? अभी दूध की पेटी वगैरह चाहिए थी, क्योंकि दूसरी हमें चाहिए होगी, ख़त्म हो जाती है, एक महीने में दो शायद लगती हैं ऐसी। तो अभी दूध की पेटी लेते हैं इम्तियाज़ से। और बाकी का कुछ भी सामान चाहिएगा अजीब देख लेंगी ज़रूरत का, या फिर मैसेज कर देंगी, जो चाहिए होगा हम लेती रहेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले चलते हैं वेजिटेबल्स लेते हैं ताकि घर में कुछ बनने के लिए स्टार्ट हो जाए, और मैं अलग जाके कुछ ग्रॉसरी का सामान लेके आ जाए। तो अभी फातिमा से ही पूछते हैं कि उनको कुछ चाहिए तो वो भी हमें बता दें, और वापसी पर हम थोड़ा जल्दी आने करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है फिर रात होने को आ जाएगी और घर में कुछ बनाना भी है। चले जी चलते हैं। तो जी फातिमा, हम जा रहे हैं इम्तियाज़, आपने चलना है? आपको कुछ चाहिए वहाँ से? नहीं। कोई फिर नहीं बोला कि स्नैक्स नहीं है और ये नहीं है? नहीं, लेज वगैरह नहीं, नहीं लेज इसको चाहिए। हैं वाकई में लेज चाहिए? लेज चाहिए ना? ये क्या खाएंगे? पुरपुरे खाती है, लेज चाहती है, क्या खाती है? ले ये देखा ना अंदर से बात आई थोड़ी देर बात है भाई, ये बुलवानी पड़ती है, नहीं नहीं ये शर्माती है। और कुछ चाहिए? नहीं, नहीं। चले जी लेस चाहिए आपको? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं। कुरकुरे रखे हुए आपके हैं ऑलरेडी? तो चले, और कुछ चाहिए हो तो आप मुझे अगर याद आ जाए तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? मैं ऑनलाइन होगा, सही है? ठीक है, हम लोग जाके आते हैं इम्तियाज़ से। वेलकम। सब्जी वगैरह लेके भेज दिए ऊपर अम्मी और फातिमा के लिए, और वो दोनों कुछ बनाएंगे घर में, और जब तक हमारी महारानी आ गई है, रेडी हो गई है। आ गई जी, चलें चलते हैं, मैं इनका वेट करते हैं नीचे। तो अभी चलते हैं और कुछ सामान लेके आते हैं घर के लिए। तो जी अलीबा को हमने ड्रॉप किया सामने, और यहाँ से आए पेट्रोल लेने के लिए, पेट्रोल डलवा लेते हैं, और पेट्रोल डालने के बाद डायरेक्ट जाएंगे इम्तियाज़, इम्तियाज़ से राशन लेना है, और राशन लेने के बाद फिर इनको घर छोड़ेंगे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि कितने टाइम हो गया मैंने पेट्रोल डलवाया नहीं, मैं एक ही दफ़ा डलवा दूँ ज़्यादा ताकि अरसा चल जाए। हम पहुंच गए इम्तियाज़ मेगा मॉल, और आप देख सकते हैं बारिश की वजह से कितना पानी जमा है हर जगह। तभी हम चलते हैं अंदर से, अपना जल्दी से सामान ले लेते हैं इससे पहले कि बारिश दोबारा से स्टार्ट हो जाए, मौसम दोबारा है बारिश का, लेकिन उम्मीद है कि हमारे घर पहुंचते से पहले नहीं होगी इंशाल्लाह। तो जी हमने दूध ले लिया है, और अभी चलते हैं आगे, कुछ और समझ आते तो वो भी ले लेंगे। और अभी इम्तियाज़ में काफ़ी रश लग रहा है आज माशाल्लाह से, अलीश भाई ने ट्रॉली की जिम्मेदारी संभाल ली है। और यहाँ पर देखे, मैं जो घर की सफाई कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, आज स्टोर में सारा सामान रख रहे हैं, सही है जी। और इससे ना घर की सफाई हो जाएगी तो हमारा घर भी थोड़ा सा खाली हो जाएगा। सबसे पहले तो ये सारा सामान इस पर रखते हैं, फिर सफाई करते हैं। अभी झाड़ू तो लगा ले, फिर दूसरी सफाई भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखे, हमारा केज है वो भी उतर गया, ब्लोर भी उतर गया, बस ये 50 रह गया वापस। चलिए अभी रूम की थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। भाई यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें निकाल ली हैं अम्मी ने, कि हमें अब तक मेरी चाची भी आइडियाज़ दे रही हैं। तो ये काफ़ी सारी शीट्स निकली हैं हमारे पास, बेड शीट हैं, इसमें पर्दे भी काफ़ी सारे निकले हैं। कि जी अम्मी, हाँ। आपने निकाल लिए दोनों कपड़े? वहाँ और बना के रखेंगे हैं। हाँ। तो जी इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रही है, यहाँ पर अलीबा और फातिमा दोनों जो है ना मिल के अपनी शीट्स देख रही हैं, और इनको दी जा रही है अम्मी आज, दे रही इनको गिफ्ट। तो काफ़ी सारे पर्दे निकले, काफ़ी सारी बेड शीट निकली, और बाकी सामान मैं चढ़ा था स्टोर पे, वापस उतर गया क्योंकि काफ़ी लेट कर दिया उन्होंने। ये सामान अभी लपेटा जा रहा है और इसको ऊपर रखा जाएगा स्टोर्स में, जो भी एक्स्ट्रा होगा। और साथ में चाची भी मशवरे दे रही है हमारी, और यहाँ पर हमज़ा आया अभी, तो ये हमज़ा अभी आया है, रात को बुलाया, सो गया ये है, अभी केक खाने आए हैं, केक खाने आए हैं। तभी भाई इसको केक दिया हमने 50 के का। तो भाई कोई मैसेज हमारे लिए हमज़ा? थैंक यू भाई, केक कैसे है बताओ ना? अच्छी है। अच्छा है ना, रात में आपको मैं बुलाने आया, आप सोए हुए थे, ऐसे खराटे मार रहे थे, उठे ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ, तबीयत खराब थी? नहीं, यूं ही। बारिश में आए थे क्या? नहीं। तो बारिश में नहीं आया, क्योंकि अभी ठंडी है, मौसम चेंज हो रहा है, बीमार हो गए, ठीक है? चलो तुम केक एंजॉय करो। देखिए इतनी सारी बेडशीट निकल आई है, मतलब कुछ रजाएं भी निकले तो उन्हें भी बेडशीट बना देंगे। और यहाँ पर देखे कुछ ये भी पड़े हैं, अभी ये सारे निकालते हैं, देखते हैं कौन सी यूज़ करने की है और कौन सी रखने की है। ये तो पर्दा हो गया, बाकी ये भी तकिए निकल आए हैं, ये दो बेडशीट सेम है, अब ये भी निकालते हैं। आज हमारी मिसेज माशाल्लाह ये सफाई का बड़ा उठाया हुआ है, और ये जो चीज़ रह गई थी हमारी फाइनल, ये चीज़, ये भी हम सेल आउट के लिए बोल चुके हैं, ये भी सेल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये अभी कलर करने के लिए अगर भेजते हैं ना, तो ये डीको है, इसको
कलर नहीं होता है या पॉलिश नहीं होती है, इसको भेजा जाता है फैक्ट्री, क्योंकि ये पूरा फैक्ट्री की मशीनों से ही होता है ये सब कुछ। तो ये जीको का ये एक छोटा सा अजाब होता है। एनीवे ये सेल आउट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक नई सी आएगी छोटी सी, जो इस कमरे के साइज़ के मुताबिक होगी, रूम के साइज़ नाप के और बताएंगे आपको कि कितना साइज़ रूम का। आज हमने पर्दे भी चेंज कर लिए, कुछ लोग कह रहे थे डार्क में थोड़ा सा लाइट लगाया, तो हमने ये लाइट बहुत ज़्यादा बड़े भी थे और डार्क भी थे ना, कुछ लोग कह रहे थे कि डार्क नहीं लगाया, तो हमने ये लाइट लगाया। देखें आप, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह लाइट कलर के। और यहाँ पर देखें ये सारी बेडशीट्स हमने निकाली हैं, और ये एक क्लीन है जो कि मेरे हस्बैंड लेके आए थे। और यहाँ पर देखें ये यूज़ की सारी बेडशीट्स हैं जो कि हमने यहाँ पर निकाल के रखी है, बाकी जो मतलब यूज़ करने की नहीं थी उसे हमने स्टोर रूम में रख दिए। और यहाँ पर देखें ये सारी लाइन वाइज रख दिए, जिसको जैसे यूज़ करेगी वह उठा लेगा। और अभी जो रात का टाइम है और मैं अपने हस्बैंड को बना के दे रही हूँ चाय, क्योंकि खाना खाने के बाद वो हमेशा चाय पीते थे, तब इनके लिए कप चाय बना रही हूँ सबसे छोटी सी देगची में। अभी सब सो गए हैं, तो ये थोड़े से बर्तन हैं, इन्हें भी हम वापस उनकी जगह पे रखते हैं, ये सारे धुले हुए हैं। बर्तन रखते रखते यहाँ पे देखे चाय भी रेडी हो गई है। ये एक कप है ना, इसलिए मैं थोड़ी छोटी सी देगची में बना रही हूँ, वरना चाय का ना एक और अलग से बर्तन होता है, ये तो एक कप है इसलिए। अभी चाय भी बन गई यहाँ पर देखे। चलें जी, चाय भी रेडी हो गई है और ये भी एक किचन में आ गया, लगता है चाय लेने ही आए। चाय आपकी रेडी हो गई आज? थैंक यू। आपकी मूवी ख़त्म हो गई? नहीं, किंग गॉडज़िला और गिदोरा मूवी लगी हुई है। मूवी देखते देखते कहते हैं चाय भी पीऊँगा, इसलिए चाय बनवाए। चले सही है। और यहाँ पे देखिए हमने किचन भी अपना नीट एंड क्लीन कर दिया, और बर्तन जो धो के रखे थे ना, तो उनका पानी यहाँ पे आ गया था, तो इस पर भी कपड़ा सही से मार दिया। तो जो अगर भाई साहब कह रहे थे कि मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हुई, फर्स्ट किक पे स्टार्ट हुई भाई, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, एक ही किक पे स्टार्ट हुई। बाइक ठंडी होती है ना, थोड़ा सा इशू करती है उस वक्त, थोड़ा सा दो तीन किक मारनी पड़ती हैं तरीके से, वकार को इतना आइडिया नहीं होगा। खैर मैं उसकी बाइक लेकर आया हूँ स्टार्ट करके, और यहाँ से आए हम दूध लेने के लिए, दूध लेते हैं, ये खड़ा मार्केट है, और दूध लेने के बाद फिर चलते हैं घर, और कुछ सामान भी लेना है मुझे घर के लिए, जैसे अंडे वगैरह ख़त्म हुए थे, सब कुछ ले लिया है। घर वालों को कुछ चाहिए था, जैसे कुछ खाने के लिए चाहिए था वकार को और फातिमा को, वो लेके जा रहे हैं। अलिजबा कह रही थी कुछ जूस पीने का, उनका मूड रन पर जूस लेके जा रहे हैं, और फ्रेश जूस लिया, और साथ में दूध और अंडे भी लड़ गए हमें, पूरा सामान से लदा बदा जा रहा हूँ घर। और आज तो माशाल्लाह एक नई चीज़ आपको देखने मिलेगी, यहाँ पर हल्की हल्की फोग भी हो रही है, आप चेक कर सकते हैं, और ठंड भी हो रही है माशाल्लाह, और बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है, यकीन जाने मुझे अभी थोड़ी सी कपकपी हो रही है, यानी जैकेट पहनने का हल्का फुल्का मौसम आ गया समझे, यानी कि एक दो दिन ये ठंड पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में थोड़ी सी बारिश के बाद मौसम ठंडा हुआ है, और अभी चलते हैं घर, जल्दी से ये देते हैं उनको, इससे पहले ये ठंडा हो जाए, वो वेट भी कर रहे हैं मेरा। और अभी सबसे पहले जो है नाश्ता बनाते हैं अम्मी और मेरे हस्बैंड का, फिर घर के काम जो हो वो भी आपको दिखाते हैं। अभी चलते हैं किचन में, जो कि अभी किचन की दोबारा से मैंने थोड़ी सी सफाई कर ली है, और खाने के नाश्ता बनाने के बाद भी करूँगी, अभी चल के दिखाते हैं इनका नाश्ता क्यों होता है। और ये थोड़े से बर्तन रहते हैं, इनको भी वॉश करते हैं नाश्ता बनाने के बाद। अभी सबसे पहले जो है नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं, ये आटा हो गया, और इसके साथ ना अभी पराठे और रोटी बनाते हैं, कि मैं पराठे नहीं खाते, तो सबसे पहले अपना बनाते हैं नाश्ता, फिर उसके बाद सारे काम करेंगे। और यहाँ पर देखें मेरे हस्बैंड का जो नाश्ता रेडी हो गया, मम्मी को भी दे दिया, तो अभी बस चाय रहती है, वो भी बना दे दें। तो चले जी, अभी घर में है और अम्मी से कुछ डिस्कस करते हैं, फातिमा भी बैठी हुई है, अलीजमा जो है रोटी बना रही है, उनसे थोड़ी देर में मुलाकात करते हैं और अम्मी से बात करते हैं, कुछ डिस्कस करना है हमें घर पे, कुछ और इम्प्रूवमेंट्स कराने के लिए, वो बताते हैं आपको थोड़ी देर में। तो जी अम्मी कैसी हैं आप? ठीक है। और आप कैसी हैं?
मैं अभी अभी जस्ट नाउ घर आया हूँ। अभी कुछ और चीज मैंने ऑर्डर की है वकार ने, उन्होंने क्योंकि वकार ने थोड़ा आइडिया दिया था ये करने के लिए, तो वो हमने अभी बनवाने के लिए ऑर्डर दे दिए, वो इंशाल्लाह कल तक आ जाएगी। ठीक है अभी तो अभी बेडशीट जब तक आप लोग निकाल रहे हैं, बेडशीट रेडी होने में कितना टाइम लगेगा? तो कल बनाएंगे इंशाल्लाह। कल बनाएंगे? ठीक है। तो आपको कैसे लगी बेडशीट्स? अच्छी थी माशाल्लाह, है ना। कुछ इनको बनाने के लिए ना सिलाई सेट पर करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी रेडी थी, पर थोड़ा सा खुद से हिसाब से बनाना पड़ेगा साइज़ के मुताबिक ना, जैसे हमें किंग साइज़ की होती है और क्वीन साइज़ होती है ना, हमारे पास किंग साइज़ थे, क्वीन साइज़ करने पड़ेंगे ऐसे ही ना। ये जो मैं लेकर आई थी ये क्वीन साइज़। ठीक है, अभी कल इंशाल्लाह जो है ना वो आपको दिखाएंगे कि हम लोग क्या ऐसा लगवा रहे हैं, वो भी रिलेटेड घर के काम आएगा आपके, आप दोनों के, आपके और अलिशबा के लिए। ठीक है, वो सरप्राइज़ है आपके लिए, कल आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बन के उसका डिज़ाइन भी मैंने किया है। सही है, चले अम्मी। ठीक है, तो कल आइएगा, कल आपको दिखाएंगे कि हमें लगवाना है। ठीक है, किस में सारा कुछ आएगा आपका सामान। ओके अम्मी, तो जी यही करते हैं व्लॉग एंड, और नए आने वाले को वेलकम करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और मेरा व्लॉग पूरा एंड तक देखा करें। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सरप्राइज है जो मैंने वो करने प्लान किया है, मतलब अम्मी अलिशबा और फातिमा को पता ही है कि हमने क्या किया, और ये मेरे साथ बेशक खड़ी, इनको पता नहीं कि हमें क्या ऑर्डर किया है। एनी वे वो कल आएगा, लगेगा शाम में, वो दिखाएंगे क्या ऐसी चीज़ है जो है कि घर में एक चीज़ हो जाएगी जो कि इनको बहुत पसंद आएगी, मतलब कह सकते हैं खूबसूरत सी एक चीज़ बनवाने के लिए। अच्छा, तो वो आपको आइडिया उसके बारे में? नहीं है तो नहीं, कोई अंदाजा? ऐसे लग रहा है पर शायद ना हो। क्या क्या बताए? नहीं, अच्छा बताया, अच्छा बताया, क्या चल, इनको ऐसे कुछ आइडिया नहीं है, ऐसी घुमा रही है बातों का, इनको कुछ आइडिया नहीं है। खैर, कल जो है ना इंशाल्लाह दिखाएंगे कि क्या ऐसा लगवाने घर में, और आपको भी दिखाएंगे कि हमारी आपकी फैमिली आपके लिए भी सरप्राइज़ है कि क्या ऐसा लगवाने। उसके साथ साथ देखें जी, फर्नीचर के लिए मैं सोच चुका हूँ और वो मैंने तय कर लिया है कि वो लेंगे तो जाहिर बात है लेंगी, और इंशाल्लाह अब करीब ही है टाइम, बस मैं कुछ अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी और उसके बाद हम फर्नीचर को ले आएंगे और वो दिखाएंगे कितना खूबसूरत हमने ऑर्डर देना है। अभी जाके कल मैं ऑर्डर दूंगा इंशाल्लाह। ऑर्डर का मतलब ये कि कुछ एडवांस 5-10 हज़ार देने पड़ेंगे, उसके बाद बाकी जो भी होगी वो एंड में होगी। तो बस ये एक छोटा सा हिंट है आप लोगों के, और क्या होगा, किस तरह होगा, किस तरह खूबसूरत होगा, किस कलर का होगा और क्या उसके अंदर चीज़ें होगी आने वाले व्लॉग्स के अंदर, क्योंकि अभी जब वो ऑर्डर देंगे तो उसके बाद बन के आएगा ना, फिर दिखाएंगे आपको। एनीवे, उम्मीद करते हैं आपको छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।